नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज है वो ये है कि सेम सेक्स यूनियन सोसाइटल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, ऐसा केंद्र की सरकार ने बोला है। केंद्र की सरकार ने जो अपना ऑफिशियल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है, उसमें कुछ लोग केंद्र की सरकार के स्टैंड को थोड़ा सा रिग्रेसिव बोलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मार्केट एक्सेस CEPA के रिस्पेक्ट में कंक्लूजन जल्दी कर सकते हैं, इसके बारे में दोनों तरफ के जो भी ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं। फिर ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बीजिंग ने यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया और ईरान की मांडवली कराई है, इस बात को लेकर इंडिया अभी शांत है, इसका क्या मतलब हो सकता है इसको देखेंगे। जल्दी ही केंद्र की सरकार, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं बड़ी बड़ी शहर में, वहाँ पे नेट जीरो वेस्ट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के रिस्पेक्ट में बात करेगी। फिर ऋषि सुनाक, बाइडन और एंथोनी एल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के हेड है, वो सान डियागो में बैठ के ऑकस डील को फाइनलाइज करने के ऊपर बातचीत करेंगे। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल पर्पल रेवोल्यूशन को भी लेके हैं, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एडिटोरियल की बात की जाए तो यूक्रेन एज अ बेल वेदर इज अ पाथ टू ट्रेजेडी, एक ये आर्टिकल है। एडल्ट्री एज मिसकंडक्ट एंड जुडिशियल म्यूजिंग, वैसे तो एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बट आर्म फोर्सेज में जो एडल्ट्री होती है उसके रिस्पेक्ट में कैसे बात की जाएगी, इसके बारे में एक आर्टिकल है। सेफ हार्बर प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। न्यू रियलिटी, तो 4 आर्टिकल्स मेनली डिस्कस करूंगा। अर्बन रूरल डायकोटोमी को लेकर जो आर्टिकल है, इसमें जबरदस्ती आर्टिकल की भाषा को मुश्किल करने की कोशिश की गई है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बताया नहीं गया, इसलिए इस आर्टिकल को मैंने स्किप किया है। और 2019 स्कूप महाराष्ट्र, इसके रिस्पेक्ट में काफी बातचीत कर चुकी है, तो ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ। तो 4 एडिटोरियल मुझे रेलिवेंट लगे, चारों आपके साथ डिस्कस करूंगा, और 7 इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें, इस पर्टिकुलर लेक्चर के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट मतलब फीलिंग ऑफ वरी और अनईज, ठीक है, मतलब आप थोड़े परेशान हो या एट अनईज हो, तो इसको आप बोलते हो डिस्क्वाइट। मेक समवन वरीड और अनईजी, जैसे पब्लिक डिस्क्वाइट अबाउट एनिमल टेस्टिंग, तो एनिमल पे अगर आप अनएथिकल तरीके से टेस्टिंग करो दवाइयों ववाइयों की, तो उसकी वजह से पब्लिक वगैरह नाराज होती, तो आप इसको बोलते हो डिस्क्वाइट, मतलब आप इस बात से कंफर्टेबल नहीं हो, अनईजी। पहली न्यूज जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडियन सोसाइटी, सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज। तो भैया, केंद्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल्ड अपने एफिडेविट में बोला है कि भैया हम सेम सेक्स मैरिज को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर मैरिज एक बायोलॉजिकल मैन और वुमेन के बीच में होती है, ये एक होली यूनियन होता है, एक सेक्रमेंट होता है, एक संस्कार है इंडिया के अंदर। अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात करो तो इसके साथ एक सैंक्टिटी जुड़ी हुई है, और देश के बड़े बड़े हिस्सों में इसको होली यूनियन, संस्कार, सेक्रमेंट माना जाता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कस्टम्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इंडिया के अंदर एक बायोलॉजिकल मैन और वुमेन के ही रिश्ते को आप कह लो वैल्यू दी जा सकती है, उसको एक लीगल वैलिडिटी दी जा सकती है, ओके। और सरकार यहां पे यह भी बोल रही है अपने 56 पेज के एफिडेविट में कि नो डाउट बायोलॉजिकल मैन और वुमेन के मैरिज को तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया, बट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन के साथ एक मैन और वुमेन का रिश्ता एज ओल्ड कस्टम्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, कल्चरल एथोस और सोसाइटल वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है, और हम उससे अलग नहीं जा सकते। इससे किसी भी प्रकार का अगर डेविएशन होना है तो वो डेविएशन लेजिस्लेचर के थ्रू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू नहीं। तो बेसिकली ये जो मेन और वुमेन का रिश्ता है, ये स्टैट्यूटरली, रिलीजियसली और सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है इंडिया के अंदर, और अगर इससे आपको डेविएट होना है तो इस पर्टिकुलर डेविएशन के लिए लेजिस्लेचर का अप्रूवल लगेगा, मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के बोल देने से नहीं होगा। फिर यहाँ पे केंद्र की सरकार ये भी बोल रही है कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर का जजमेंट दिया था, और ये बोला गया था कि भाई जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो डीक्रिमिनलाइज्ड है, तो कहीं पे भी इसको लीगलाइज नहीं किया था, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली सेम सेक्स सेक्सुअल इंटरकोर्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, बट ये नहीं बोला कि आर्टिकल 21 के अंदर अब आपके पास शादी करने का भी अधिकार है। तो आर्टिकल 21 के अंदर सेम सेक्स मैरिज को फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के साथ जोड़ो, ऐसा कुछ नवतेज सिंह जोहर जजमेंट में नहीं बोला गया है। केंद्र की सरकार साफ साफ सुप्रीम कोर्ट से ये भी बोल रही है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना है तो केवल पार्लियामेंट कर सकती है, आप नहीं कर सकते।
और कभी भी सेम सेक्स मैरिज को एक ऐसी फैमिली के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता जहां पे एक आदमी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रह रहा हो, ठीक है ना भाई। तो अगर आप एज अ पार्टनर सेम सेक्स रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कभी भी आप अपने आप को एक फैमिली यूनिट की तरह कंसीडर नहीं कर सकते जहां पे एक आदमी होता है, एक औरत होती है और उनके बच्चे होते हैं। फिर देखिए गवर्नमेंट का एक मैं पैराग्राफ यहां पे पढ़ देता हूं, गवर्नमेंट स्टैंड का। द पार्लियामेंट इज डिजाइन एंड फ्रेम द मैरिज लॉज इन द कंट्री विच आर गवर्न बाय द पर्सनल लॉज एंड कोडिफाइड लॉज रिलेटेड टू कस्टम्स ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज टू रिकॉग्नाइज ओनली द यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमन। तो चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो जो कि कास्ट और रिलीजन न्यूट्रल है, चाहे पर्सनल लॉज हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, चाहे हिंदू पर्सनल लॉ हो, सब में एक आदमी की औरत से शादी की बात की गई है, आदमी की आदमी से या औरत से शादी की बात नहीं की गई है। और इसके साथ इंटरफेरेंस करना हमारे देश के डेलिकेट पर्सनल लॉ को तोड़ने वाली बात होगी, सोसाइटी लॉज को तोड़ने वाली बात होगी। इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं केंद्र की सरकार। अब केंद्र की सरकार की बातों के साथ आप वाक्य रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, बहुत से लोग केंद्र की सरकार के इस सबमिशन को बहुत ज्यादा दकियानुसी भी बताएंगे। अब वो डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, ठीक है। हेट्रोसेक्सुअल मैरिज को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देगा। हेट्रोसेक्सुअल मैरिज मतलब अलग सेक्स, एक आदमी एक औरत से शादी कर रहा है, और होमोजीनियस मैरिज को नहीं दिया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर ये पेटिशनर्स बोल रहे थे कि इनको शादी करने की परमिशन दी जाए, ठीक है ना। पर्सनल लॉ के अंदर तो परमिशन देखो मिलेगी नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी परमिशन नहीं मिल रही थी। अगर सुप्रीम कोर्ट फेवर में डिसीजन दे दे तो परमिशन मिल जाएगी, लेकिन केंद्र की सरकार ने क्लियर कट सबमिट किया है नहीं दी जा सकती परमिशन। तो अगर आप देखो तो सेम सेक्स मैरिज के लिए बहुत सी पिटीशंस यहां पे फाइल है। एलजीबीटी कम्युनिटी की डिग्निटी के रिस्पेक्ट में यहां पे बातचीत की जा रही है। अलग अलग हाई कोर्ट्स में केस फाइल थे, केरला में, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस अपने पास ले लिए, सुनवाई वहां पे जारी है। केंद्र की सरकार बोल रही है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं कर सकते। अगली न्यूज जिस पेपर 2 बायलेटरल एग्रीमेंट्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ पैक्ट ऑन मार्केट एक्सेस। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट डॉन फेरल साहब, इन्होंने कन्वीन किया है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन, और यहां पे निगोसिएशंस चल रहे हैं फॉर अ फुल स्केल फ्री ट्रेड पैक्ट एंड स्टेप्स टू स्पर इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन बोथ कंट्रीज। तो ये दोनों मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ निगोशिएट करके फ्री ट्रेड पैक्ट की बात कर रहे हैं ताकि दोनों कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। एक जॉइंट कम्युनिकेशन यहाँ पे शुरू हुआ है, मिस्टर गोयल एक तरफ और मिस्टर फेरल एक तरफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड और टूरिज्म मिनिस्टर हैं, ठीक है ना भाई। क्या बात की जा रही है? तो भाई दोनों ने बोला है कि हम खुश हैं कि हम रिजॉल्व कर पाएंगे वेरियस बायलेटरल टेक्निकल मार्केट एक्सेस इशूज को, जल्दी हम कंक्लूड करेंगे और इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सेसा, ठीक है ना। तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को जल्दी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन किया जाएगा। देखिए अगर आप देखो तो पिछले साल साइन हुआ था इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कोऑपरेशन के एरियाज को खंगालता है, और ECTA ने जो फाउंडेशन बिल्ड किया उसके बेसिस पे CECA को यहां पे साइन करने की बात की जा रही है। तो ये जो CECA है ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएगा, जनरल वेलफेयर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाएगा, बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेगा। दोनों मिनिस्टर्स ने G20 की एंगेजमेंट की भी बात की, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी बात की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में भी बात की। अभी अगर आप देखो तो 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होगा अबू धाबी में 2024 में, तो तब एक प्रोडक्टिव इंगेजमेंट हो सके उसके लिए अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ बायलेटरली इंगेज कर रहे हैं, ठीक है ना। IPEF की बात की जाए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, तो दोनों ही मिनिस्टर्स ने एग्री किया है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के हाई एम्बिशंस हैं और दोनों म्यूचुअल इंटरेस्ट के एरियाज में एक दूसरे के साथ काम करते रहेंगे, क्लीन इकोनॉमी के लिए, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बायलेटरल ट्रेड $31 बिलियन था पिछले साल। दोनों ने अपने ट्रेड कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को सिंक्रोनाइज करने की बात की है ताकि आगे आने वाले 5 सालों में बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जा सके। अब यहां पे सेपा या फिर कह लीजिए सेसा, ये होता क्या है? तो एक प्रकार का फ्री ट्रेड पैक्ट है जो कि निगोशिएशन करता है ट्रेड इन सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करता है, यहां पे ट्रेड फैसिलिटेशन, कस्टम कॉर्पोरेशन, कॉम्पिटिशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिस्पेक्ट में भी बातचीत होती है। सेपा की अगर आप बात करो तो रेगुलेटरी एस्पेक्ट का ट्रेड का ये भी देखता है, रेगुलेटरी इश्यूज को भी मॉनिटर करता है। ऑलरेडी सेपा साउथ कोरिया जापान के साथ इंडिया साइन कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जल्दी साइन करने वाला है। फिर अगली न्यूज, ये वन लाइनर प्रकार की न्यूज है, जिस पेपर 2 G20 प्रेसिडेंसी, G20 मीट टू फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबल AI। तो भैया G20 के अंदर ही एक 3 दिन की सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप गैलिएट्स की मीटिंग होने वाली, जिसको आप साई 20 भी बोलते हो।
जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है इंडिया के, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये चेयरमैन है साई 20 इंगेजमेंट ग्रुप के, और ये साई 20 इंगेजमेंट ग्रुप इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंदर मीट कर रहा है। इस पर्टिकुलर ग्रुप की मीटिंग के अंदर दो मेन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत होगी, एक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है आपका ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? तो इट इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव्ड लाइवलीहुड्स एंड जॉब्स वाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ अवर इकोसिस्टम। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इट इज अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क एम्ड एट विच डाटा कैन बी कलेक्टेड एंड यूज, हाउ AI मॉडल्स शुड बी इवेल्युएटेड एंड हाउ टू बेस्ट डिप्लॉय एंड मॉनिटर द मॉडल्स। द फ्रेमवर्क कैन ऑल्सो डिफाइन हु इज अकाउंटेबल फॉर एनी निगेटिव आउटकम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों अगर आप देखो तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर बातचीत हो रही है G20 की प्रेसिडेंसी के अंदर, और सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन के 20 इंगेजमेंट ग्रुप डेलीगेट्स यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल AI अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है, फ्रेज है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद गुड इंटेंशन टू एम्पावर एम्प्लॉइज इन बिजनेसेस एंड फेयरली इम्पैक्ट कस्टमर्स एंड सोसाइटी, अलाउइंग कंपनीज टू इंजेंडर ट्रस्ट एंड स्केल AI विद कॉन्फिडेंस। तो जो डेलीगेट्स हैं G20 मेंबर कंट्रीज के, गेस्ट नेशंस के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ओमान, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, UAE, ये सब लोग यहाँ पे इन पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कैग है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने कोलैबोरेशन को प्रपोज किया है साई 20 इंगेजमेंट ग्रुप ऑन ब्लू इकोनॉमी में और रिस्पॉन्सिबल AI में। मीटिंग हुआ है गुवाहाटी में, और गुवाहाटी की मीटिंग में वो कॉन्सेप्ट थीम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो कैग इसको हेड करेंगे और बाकी मेंबर डेलीगेट्स अपने इनपुट देंगे, इंगेजमेंट की कोशिश की जाएगी। फिर अगली बात कर रहे हैं हम लोग पर्पल रेवोल्यूशन की। ये बेसिकली जो फोटो है वो जम्मू एंड कश्मीर की भादरवाह डिस्ट्रिक्ट की है, यहाँ पे लेवेंडर उगाया जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं पर्पल रेवोल्यूशन क्या होता है। तो इट इज टू प्रमोट इंडिजीनियस एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी बाई शिफ्टिंग फ्रॉम फॉरन एरोमेटिक्स टू होम ग्रोन काइंड। पहली बार के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ्री लेवेंडर सैपलिंग्स दी जा रही है, ठीक है ना। CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एरोमा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इनिशिएटिव इस लेवेंडर कल्टीवेशन को प्रमोट कर रहा है रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में और भी बहुत से इलाकों में। लेवेंडर फार्मिंग को जम्मू एंड कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में किया जा रहा है, जैसे कथुआ, उधमपुर, दोदा, किश्तवाड़, रजौरी, श्रीनगर, बांदीपुरा, बदगांव, गंदरबाल, अनंतनाग, कुलगाम, बारामुल्ला, ठीक है ना भाई। लेवेंडर कल्टीवेशन में 5,000 फार्मर्स को एम्प्लॉय किया गया, ठीक है ना, यंग एंटरप्रेन्योर्स को एम्प्लॉय किया गया। 1,000 फार्मिंग फैमिलीज इससे इफेक्ट हो रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं 2,500 लोगों ने पहले मक्के की खेती को छेड़ के लेवेंडर की खेती शुरू कर दी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और इनफैक्ट जो भदरवाह के आसपास का इलाका है वहां पे गर्मियों के समय पे एक माइल्ड कोल्ड क्लाइमेट होता है जो कि लेवेंडर की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। लेवेंडर की इस पर्टिकुलर खेती को बढ़ावा देने से पहले जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादातर फार्मर्स मक्के की खेती करते हैं। बहुत से फार्मर्स मक्के की खेती को छोड़ के लेवेंडर की खेती में अपने आप को स्विच कर चुके हैं। तो भैया बीजिंग ने टॉक्स को ब्रोकर किया है और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं सऊदी अरेबिया और ईरान का एग्रीमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दोनों राइवल्स हैं। ये जो शिया सुन्नी वाला विवाद है उसके लिए भी, और बहुत से प्रॉक्सी वॉर्स लड़े जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यमन में हाउदी बैक्ड रेबल्स। तो बेसिकली यमन में एक सिविल वॉर चल रहा है जिसमें एक फैक्शन को सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है, दूसरे फैक्शन को ईरान सपोर्ट कर रहा है। शिया सुन्नी के विवाद में कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया, ईरान एक दूसरे के साथ काउंटर में नजर आते हैं। और कुछ दिन पहले अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे, तो उस अब्राहम अकॉर्ड्स में इनफॉर्मली ऐसा समझा गया था कि सऊदी अरेबिया इसराइल के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है, और ओवरऑल ये अब्राहम अपॉर्ट्स एक प्रकार का ग्रुप माना जा रहा था ईरान के अगेंस्ट। तो ये सारे सामंजस्य यहाँ पे टूटते नजर आ रहे हैं जब चाइना ब्रोकर टॉक्स के अंदर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट सा होता नजर आ रहा है, और इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशंस ने वेलकम किया, फ्रांस ने, जॉर्डन ने, वेस्ट एशियन कंट्रीज ने इसको वेलकम किया, बट US के लिए एक टेंशन वाली बात हो सकती है, कुछ हद तक इसराइल और UAE के लिए भी एक टेंशन वाली बात हो सकती है। नई दिल्ली की बात की जाए तो नई दिल्ली के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे समझ पाना इस टॉपिक को थोड़ा ट्रिकी होगा। रीजन बीइंग सऊदी अरेबिया भी नई दिल्ली का अलाई है, ईरान भी अलाई है। अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं ये न्यू दिल्ली को तब समझ में आता जब ये टॉक्स बीजिंग ने ना ब्रोकर करवाई होती। अभी चाइना बैक नेगोशिएशंस के बीच में सऊदी अरेबिया और ईरान दोस्ती कर रहे हैं, ये बात थोड़ा सा इंडिया को टेंशन दे सकती है, क्योंकि चाइना यहाँ पे एक्चुअली में इंडिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है।
क्योंकि अगर चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दोस्ती करवा सकते हैं, तो कल की डेट में इन कंट्रीज को हो सकता है थोड़ा बहुत एंटी इंडिया भी कर दें। और वैसे भी रिसेंटली इंडिया का ध्यान ITU2 कोऑर्डिनेटर की तरफ रहा है, इसराइल यूएस यूई और इंडिया की पार्टनरशिप में रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कुछ और न्यूज कंसर्निंग है इंडिया के लिए। पिछले साल नवंबर 2022 में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया की विजिट को कैंसिल कर दिया था। ये विजिट इस साल रीशेड्यूल होने वाली है। फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर होसीन अमीरा बोदुल्लहनान, ये भी इस साल के रायजाना डायलॉग में इंडिया में आने वाले थे, इन्होंने अपने पार्टिसिपेशन को कैंसिल किया। रायजाना डायलॉग ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर डायलॉग में एक प्रमोशनल वीडियो आई जिस बात को लेके ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, इसलिए ईरान ने इस पर्टिकुलर विजिट को कैंसिल कर दिया। बीजिंग का एग्रीमेंट ये भी दिखाता है कि सऊदी अरेबिया के यूएस के साथ रिश्ते थोड़े बिगड़ते से नजर आ रहे हैं। पिछले साल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सऊदी अरेबिया गए थे तो अब ऐसा लगा था कि रिश्ते थोड़े बहुत सुधर गए हैं, लेकिन यूएस की जो रिक्वेस्ट थी सऊदी अरेबिया से कि ओपेक की ऑयल प्राइसेस को आप थोड़ा कम करें, ओवरऑल रशियन ऑयल को बिकने से रोकें, ओपेक प्लस ग्रुप में अपने एंगेजमेंट को कम करें, इन सारी बातों को सऊदी अरेबिया ने यूएस के अगेंस्ट नहीं माना। और वहीं पे चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग रियाद गए थे दिसंबर में, ये भी अपने आप में एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि पिछले साल ही जो बाइडन भी गए थे और पिछले साल ही चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग भी गए थे। तो जो बाइडन के आइडियाज को नहीं मान रही सऊदी अरेबिया की लीडरशिप, लेकिन चाइना ब्रोकर्ड एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रही है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप के लिए यूएस के लिए एक थोड़ा टेंशन वाला मुद्दा है। फिर अगर आप देखो तो मिस्टर जी जिनपिंग मोस्ट प्रोबेबली तेहरान जाएंगे, ईरान में जाएंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर बातचीत करनी है। $400 बिलियन के जो ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रॉमिस किए हैं चाइना ने ईरान को, उसके रिस्पेक्ट में बातचीत करनी है। तो अपने आप में ऐसा लग रहा है कि वेस्ट एशियन रीजन में यूएस का इन्फ्लुएंस गिरता से नजर आ रहा है। एक्चुअली में इस समय पर ऐसा बोला जा रहा है कि यूएस का फोकस यूरोप के ऊपर ज़्यादा है, इंडो पैसिफिक के ऊपर ज़्यादा है, वेस्ट एशिया के ऊपर से यूरोप का फोकस हट गया है। तो बहुत सी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को लग रहा है कि यूएस के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा डिपेंडेंस ठीक नहीं है, इससे बेटर ये रहेगा कि एनर्जी के लिए रशिया के साथ कोऑपरेट कर लो और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैटर के लिए चाइना के साथ। फिर भाई नेट जीरो वेस्ट टू बी मैंडेटरी फॉर बिल्डिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जल्दी ही एक डायरेक्टिव भेजने वाली है बाय द एंड ऑफ मार्च टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट से बोला जाएगा कि आप प्रॉपर तरीके से लॉज बनाइए, उनके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करिए, नेट जीरो वेस्ट के टारगेट को प्रमोट करिए। जितनी भी आपको मुंग हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं देश में, यहाँ पर नेट जीरो वेट को इंश्योर करना जरूरी है, उनके लिक्विड डिस्चार्ज को ट्रीट करना जरूरी है, रिफॉर्म करना और मॉडर्नाइज करना सीवेज डिस्पोजल सिस्टम को, ये भी जरूरी है। नेट जीरो वेस्ट मतलब रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड रिकवरिंग वेस्ट स्ट्रीम्स टू कन्वर्ट देम टू वैल्यूएबल रिसोर्सेज सो दैट जीरो सॉलिड वेस्ट इज सेंट टू लैंडफिल्स। तो इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को डायरेक्टिव देगी कि आपके इलाके में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनने वाले हैं उनको बोलिए कि अपने आप इस प्रकार के सिस्टम्स को इंस्टॉल करें कि नेट जीरो वेस्ट निकले और जो भी उनका लिक्विड डिस्चार्ज है वो उसको ट्रीट करके निकाले, क्योंकि अनट्रीटेड लिक्विड डिस्चार्ज अगर निकलेगा तो वो नदियों में, नालों में, तालाब में पहुंचेगा और ओवरऑल इन्वायरमेंट को गंदा करेगा। फिर सेप्टिंग टैंक डिजाइन को भी बिल्डिंग बायलॉज में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल सेप्टिक टैंक्स होते हैं ना, हर घर में सेप्टिक टैंक्स होते हैं, भाई इंसान का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो सुबह शाम दिन में जब भी उसको आती है दो नंबर उसको जाना ही पड़ता है। तो इस कंटेक्स्ट में सारे सेप्टिक टैंक्स को जियो टैग करना, प्रॉपर तरीके से मैन होल्स को मशीन होल मोड में बदलना। अभी तक क्या है कि सेप्टिक टैंक्स को मैनुअली साफ किया जाता था, मैनुअली नहीं अब मशीन से साफ किया जाएगा। तो मशीन होल के मोड वाले सेप्टिक टैंक्स लगवाने हैं, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से बिल्डिंगों में, उनकी जियो टैगिंग होगी, समय समय पर जब सफाई होगी तो पूरी तरीके से मशीन से सफाई होगी, मैनुअल स्कैवेंजिंग के प्रोसेस को कंप्लीटली खत्म करना है, रिमूव करना है। कुछ और ऐसी गाइडलाइंस भी जो कि अर्बन लोकल बॉडी जैसे कि म्यूनिसपैलिटीज को बोलती हैं कि आप इस पोटेंशियल को खंगालिए कि कैसे प्रोसेस्ड स्लज को फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करके कॉमर्शियल यूज किया जाए, मतलब जो गंदगी निकल रही है उस गंदगी को रीप्रोसेस करके उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करके उसको मार्केट में बेचा जाए, जिससे ओवरऑल थोड़ा पैसा वगैरह भी बने। फिर आगे आने वाले समय में मैकेनाइज्ड क्लीनिंग जो इक्विपमेंट है उनके इंडियन स्टैंडर्ड्स को भी गवर्नमेंट रिव्यू करेगी, ओवरऑल
रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग में जो डी स्लजिंग के लिए टैरिफ यूज पैसा लगता है उसको भी यहाँ पे ओवरऑल रिव्यू किया जाएगा। एक मेक इन इंडिया स्टार्टअप है, इसको प्रमोट किया जाएगा जो कि लो टेक्नोलॉजिकल, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेके आएगा, जैसे कि मैकेनिकल स्पेड सेंसर स्टिक्स गैस डिटेक्शन के लिए इन सेप्टिक टैंक्स में। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई हैं और इन सब के लिए बहुत से प्रोग्राम को कन्वर्ज किया जाएगा, जैसे स्वच्छ भारत प्रोग्राम, नमस्ते प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, अमृत प्रोग्राम, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रकार के प्रोग्राम्स को मिला के ये सब काम किया जाएगा। गवर्नमेंट का इंटेंट है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करना है। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का बोलना है कि 400 लोग सीवर्स को और सेप्टिक टैंक्स को साफ करते वक्त मर चुके हैं 2017 से लेके अब तक। तो एक मैकेनाइज्ड सीवेज सिस्टम को अगर मैंडेटरी जीरो नेट वेस्ट क्लॉज के साथ मिला के हाउसिंग और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा तो हम साफ भी कर पाएंगे, उस सफाई से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी मीट कर पाएंगे और कहीं हमने इसको कॉमर्शियली वायबल अपॉर्चुनिटी बदल दिया, इस स्लज को रीप्रोसेस करके हमने फर्टिलाइजर वगैरह बना के बेच दिया, तो अपने आप में ये पूरी के पूरा प्रोसेस बहुत हद तक इफेक्टिव, सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बन जाएगा। अगर यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6.3 बोलो तो वो बोलता है हैविंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग रिसाइकलिंग एंड सेफ रीयूज ग्लोबली बाई 2030, इस टारगेट को भी हम मीट कर पाएंगे। इंडिया अभी 72,368 मिलियन लीटर्स पर डे अर्बन वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करता है जिसमें केवल 28% ट्रीट होता है, तो 72% अनट्रीटेड वेस्ट वाटर रिवर्स में घुसता है, लेक्स में घुसता है, ग्राउंड वाटर में घुसता है और एनवायरमेंट में गंदगी पैदा करता है। 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की रिपोर्ट है सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, ये बोल रहा है कि कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है अगर ट्रीटेड सीवेज को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इसको प्रॉपर तरीके से बेचा जाए। कंजर्वेटिव एस्टिमेशन बताता है कि 3,285 करोड़ की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इस सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू पैदा की जा सकती है अगर सही तरीके से इस पे स्टेप्स लिए जाए। फिर सैन डियागो में मीटिंग होने वाली, ऋषि सुनाक जा रहे हैं, जो बाइडन मिलेंगे, एंथोनी एल्बनीज मिलेंगे, ऑकस डील को यहां पे फाइनलाइज किया जाएगा और इस डील के तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को। इस डील को अनाउंस किया गया था सितंबर 2021 में। यूएस और यूके की स्ट्रेटजी है कि इंडो पैसिफिक रीजन के साथ हम बहुत अच्छी तरीके से इंगेज करेंगे, बीजिंग की असर्टिवनेस और कोअर्सिवनेस को ओवरऑल इंडो पैसिफिक में कम करेंगे। अभी के समय पे केवल 6 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर फ्यूल सबमरीन है, इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। ऑस्ट्रेलिया के पास 6 डीजल पावर्ड क्लोनिंग क्लास सबमरीन है, फ्रांस के साथ जो एग्रीमेंट था वो यहां पे कैंसिल हो चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया 7वीं कंट्री बन जाएगी जब उसके पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन इस ऑकस डील के तहत आ जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 5 वर्जीनिया क्लास सबमरीन यूएस के पास से 2030 तक ऑकस डील के अंदर आएंगे, किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास। यूके के साथ एक डिजाइन पे भी काम करेगा ऑस्ट्रेलिया फॉर मेकिंग न्यू जनरेशन सबमरीन अमेरिकन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, लेकिन वो सबमरीन बनने में कम से कम 2040 लगने वाला है। ये सैन डियागो नाम का शहर यूएस के वेस्ट कोस्ट में आता है, तो यहां पे ये पर्टिकुलर मीटिंग हो रही है। ओवरऑल एक इंक्रीजिंगली असर्टिव रशिया और चाइना को टैकल करने के लिए ये ऑकस डील काम आ सकती है, ऐसा इन लीडर्स का मानना है। फिर नेक्स्ट, अब मैं इन एडिटोरियल्स को थोड़ा जल्दी बताता हूं। देखिए क्या है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, कुछ काम के पॉइंट्स हैं तो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एम के नारायण साहब यहाँ पे यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि नो डाउट यूक्रेन ने एक हीरोइक स्ट्रगल दिखाया है लेकिन यूक्रेन वॉर एक स्टेलमेट की तरफ पहुंच रहा है। रशिया लगातार दिखा रहा है कि वो एरियल अटैक्स लॉन्च करेगा, ठीक है ना, अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यूक्रेन को दबाने के लिए इस्तेमाल करेगा, नो डाउट यूक्रेन के लोगों ने हीरोइज्म दिखाया है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं पीछे से यूक्रेन को मदद भी मिली है, लेकिन यूरोप की जो भी मदद मिली है ना यूक्रेन को वो नाटो और यूएस के दम पे मिली है। इस पर्टिकुलर वॉर ने ओवरऑल ये प्रूव कर दिया है कि यूरोप मिलिट्रली बहुत कमजोर है और आगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स में यूरोप अपने आप को तभी बचा सकता है जब नाटो उसको बैक करे। तो ये बात क्लियर है कि यूएस बैक्ड नाटो ओवरऑल अगर यूरोप को सपोर्ट करता है तो आगे आने वाले समय में यूरोप अपनी सिक्योरिटी, मिलिट्री सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएगा। नो डाउट इस यूक्रेन वॉर में यूएस ने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स प्रोवाइड किए हैं, किसको? यूक्रेन को, लड़ाई करने के लिए। यूक्रेन लड़ाई कर भी रहा है लेकिन यूक्रेन को लग रहा है कि रशिया ने उनसे जितने भी हिस्से जीते हैं वो वापस ले लेंगे, जिनका वापस ले पाना बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। यूरोप की इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का लगा है, एक प्रोलॉन्ग स्टेलमेट चल रहा है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो यूरोपियन लीडर्स हैं कुछ, जैसे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स साहब, ये क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि वॉर बंद हो जाए। यूरोप के बहुत से लीडर्स इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वॉर बंद हो जाए, जो कि इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट दुनिया में तो हो रहा है, यूरोप में सबसे ज़्यादा हो रहा है। फिर ये भी बोला जा रहा है, एक व्यू पॉइंट ये भी बोला जा रहा है कि यूरोप और यूक्रेन इतने लंबे समय तक रशिया के खिलाफ इस वॉर में खड़ा नहीं हो पाता अगर यूएस सपोर्ट नहीं देता। एक और थॉट प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है कि अगर यूएस यूरोप की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ही ना करता तो भी शायद ये जंग ना होती। तो बहुत से व्यू पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। यूएस ने इस वॉर में जो सपोर्ट दिया उसके चलते रशियन वेपन्स के ऊपर यूएस वेपन्स की मतलब सुपीरियॉरिटी भी नजर आई है, जैसे कि जेवलिन एंटी टैंक वेपन्स, फिर शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल्स, फिर भाई हिमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम। इसने यूएस को एक एडिशनल कॉन्फिडेंस दिया है कि भैया वो हर लेवल से टैकल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैलेंज को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को। नो डाउट यूएस की इमेज भी यहाँ पे थोड़ी इंप्रूव हुई। जब अफगानिस्तान वाला फियास्को हुआ था, अफगानिस्तान के फियास्को के समय पे यूएस रिट्रीट कर गया था अफगानिस्तान से, तो उससे जो यूएस की इमेज थी वो बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। तो शायद इस यूक्रेन वॉर में पीछे से यूएस सपोर्ट देके अपनी उसी गई हुई इमेज को बनाने की कोशिश कर रहा है, यूएस ट्रायंफलिज्म दिखा रहा है। बट सच्चाई यह है कि यूक्रेन को इस पर्टिकुलर वॉर में बहुत नुकसान हुआ है। नो डाउट उन्होंने चाइना को भी नुकसान किया है, बट बहुत हद तक यूक्रेन की बहुत बड़ी ज़मीन रशिया के कंट्रोल के अंदर चली गई है। चाइना की अगर आप बात करो तो चाइना आज की डेट में ओपनली यूएस को चैलेंज कर रहा है, ओपन स्टेटमेंट्स इशू कर रहा है यूएस के अगेंस्ट। इनफैक्ट चाइना के जो स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल है। आज तक चाइना जो भी स्टेटमेंट्स देता था वो इनडायरेक्ट धमकियां होती थी, लेकिन ये जो रिसेंट स्टेटमेंट आया जी जिनपिंग की तरफ से और उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से वो बहुत हद तक कन्फ्रंटेशनल है। सामने एक दूसरे से भिड़ने वाली बात यहां पे निकल के आ रही। फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग ने ओपनली यूएस को बोला है कि तुम हमें अनसर्कल कर रहे हो, अगर तुमने ब्रेक नहीं मारा अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर तो कन्फ्रंटेशन होगा ही होगा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी है। अगला आर्टिकल एडल्ट्री एज मिसकंडक्ट एंड जुडिशियल म्यूजिक्स, आर के विज साहब ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की जा रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सेप्टेम्बर 2018 में एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड अलॉन्ग विद सेक्शन 198 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, और बताया था दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एडल्ट्री तो यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी है, लेकिन केंद्र की सरकार का सुप्रीम कोर्ट से यह पूछना है कि आर्मी एक्ट के अंदर, एयरफोर्स एक्ट के अंदर, नेवी एक्ट जो कि आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी वैलिडिटी लेते हैं, क्या इसके अंदर हम एडल्ट्री के रिस्पेक्ट में सजा सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं? देखिए आर्टिकल 33 के अंदर पार्लियामेंट के पास ताकत है कि वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और एब्रोगेट कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए। ये वो कैटेगरीज ऑफ पर्सन हैं जो कि आर्म फोर्सेज में सर्व करते हैं, तो उनमें डिसिप्लिन लाने के लिए ओवरऑल थोड़े एक्सेप्शन दिए गए हैं आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट के द्वारा। नॉर्मल सिविलियंस को जो अधिकार अवेलेबल हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में काम करने वाले लोगों के पास वो अधिकार नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचा कि आपने एडल्ट्री को तो ओवरऑल यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, बट ओवरऑल आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट के अंदर एडल्ट्री के रिस्पेक्ट में जो भी आपके लोग प्रोसीडिंग चलाई जाती हैं इन आर्म फोर्सेज ऑफिशियल के ऊपर, क्या वो चल सकती हैं? वो भी आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दी। तो कोर्ट ने यहां पे ये बोला है कि जोसेफ साइन के अंदर जो जजमेंट दिया गया, इट वॉज नॉट एट ऑल कंसर्न विद द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑफ द रेलिवेंट प्रोविजंस एंड इट इज नॉट एज इफ दिस कोर्ट अप्रूव्ड ऑफ एडल्ट्री। मतलब जोसेफ साइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि हमारा मतलब ये नहीं है कि एडल्ट्री सही है। एडल्ट्री मतलब ये होता है कि एक कपल, जैसे मैन और वाइफ है, अब उसमें से कोई एक इंडिविजुअल अपनी लीगल मैरिज के बाहर कोई अफेयर चला रहा है, तो इसको नॉर्मल कर केसेस में एडल्ट्री बोला जाता है। पहले का एडल्ट्री का कानून थोड़ा बहुत लेडीज के अगेंस्ट था, एंटी वुमेन था। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। अब आर्म्ड फोर्सेस के रिस्पेक्ट में एडल्ट्री भाई कहां से आ गई? तो अगर आप देखो तो महेश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स, राजस्थान हाई कोर्ट में एक केस चला था। इसमें क्या हुआ कि राजस्थान पुलिस में काम करने वाला इंस्पेक्टर जो कि पहले 18 साल इंडियन एयरफोर्स में काम कर चुका था, उसका एक इलीगल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था एक वुमन कॉन्स्टेबल के साथ, और उससे उनको एक बच्चा भी था। तो इस बात को लेके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू की गई इस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर के अगेंस्ट। बाद में कोर्ट ने बोला कि भाई ये पर्सनल चॉइस थी उस पर्टिकुलर ऑफिसर की,
वो लड़का और वो लड़की, ये जो इंस्पेक्टर था और जो वुमेन कांस्टेबल थी, दोनों ने कंसेंशुअल बेसिस पे अपने बीच में रिलेशन लगाया, वो मॉरली करेक्ट नहीं था, बट इससे उनकी ऑफिशियल ड्यूटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आया, इससे सर्विस कंडक्ट रूल के अंदर उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। उसी प्रकार से महेश भाई भुर्जी भाई दामोर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड 3 अगस्त 2022, इसमें भी गुजरात हाई कोर्ट ने एक आर्म्ड पुलिस के कांस्टेबल के डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। ऐसा बोला गया कि वो पर्टिकुलर कांस्टेबल एक विडो के साथ इलिसिट रिलेशंस चला रहा है, जो कि मिसकंडक्ट है। बाद में पता चला कि उस विडो ने कंसेंशुअल बेसिस पे इसके साथ रिलेशन बनाए थे, और इससे ओवरऑल उस आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की एफिशिएंसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो जब तक आप अपने पर्सनल डोमेन पे ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, तब तक भाई आपको सजा नहीं दी जानी चाहिए सर्विस कंडक्ट रूल्स के अंदर। यहाँ पे एक और एग्जांपल कोट किया जा रहा है। सबको पता है कि आर्मी के अंदर ओवरऑल सस्ती शराब मिलती है, वो सस्ती समार आप फोर्सेस पर्सनल के प्रोवाइड की जाती है। अब शराब पीने को आप एक मॉरल एक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं एक गलत एक्ट है। लेकिन अगर शराब पीना आपकी एफिशिएंसी को, आपकी ऑफिशियल ड्यूटी को, आपके पर्सनल कंडक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो आप पी सकते हो, आपको कोई रोकता नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल अगर केसेस में आज की डेट में पीना आम हो गया है, अंटिल अनलेस आप इतने बेवड़े ही नहीं बन जाते और सड़क पे छेड़ना शुरू कर दो और बदतमीजी करना शुरू कर दो और होश में ही ना रहो, उस हद पे नहीं जाते हो, लिमिट में पीते हो, तो कोई आपको गलत नहीं बोलेगा ज़्यादा। तो उसी प्रकार से अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई आर्म फोर्सेज का पर्सनल भी अगर किसी इलिसिट रिलेशनशिप में आता है, अगर वो रिलेशनशिप कंसेंशुअल है दोनों पर्संस के द्वारा और वो उसके वर्क एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, तब ओवरऑल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाना उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट सही नहीं है। कुछ इस प्रकार की बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है भाई। फिर भाई यहाँ पे इंटरनेट इंटरमीडियरीज की बात की जा रही है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2022-23 लाया गया है आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करने के लिए। लगातार भारत सरकार ओवरऑल सोशल मीडिया इंटरफेरेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पहले आईटी रूल्स 2021 लाए गए, उसमें इंटरनेट इंटरमीडियरीज के ऊपर कॉम्प्लायंस बर्डन डाला गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखो तो एक अमेंडमेंट ऑर्डर आया 2022 में, जिसमें गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी बनाई गई कि कोई यूज़र का कंटेंट अगर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट डिलीट करता है तो यूज़र इन कमिटी के सामने जाके अपनी ओवरऑल अपील डाल सकता है। उसके बाद जनवरी 2023 में आईटी मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया कि एक ऐसा अमेंडमेंट लाना चाहिए जिसमें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा मार्क किसी भी फॉल्स आर्टिकल को सोशल मीडिया इंटरमीडिएट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पे डिजिटल इंडिया एक्ट यहाँ पे सरकार लेके आई है। तो नो डाउट यहाँ पे सोशल मीडिया इंटरप्रिटीज को अकाउंटेबल करने की जरूरत है। सोशल मीडिया इंटरप्रिटीज इतनी आसानी से उस बात को मानेंगे नहीं, वो लीगली इस प्रकार के लॉज को चैलेंज करेंगे। खास बात यहाँ पे यह है सेफ हार्बर प्रोविजन। ये सोशल इंटरमीडियरीज बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे तो एक दूसरे यूजर ने आके कंटेंट पोस्ट किया, उसके लिए हम अकाउंटेबल नहीं है। तो सेफ हार्बर प्रोविजंस का कंसेप्ट कहाँ शुरू हुआ था, तो सेक्शन 230 ऑफ द यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996 के अंदर ओवरऑल ऑनलाइन सर्विसेज में यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए बोला गया कि डिजिटल जो इंटरमीडियरी है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज की डेट में दुनिया बहुत बदल चुकी है, इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ पे इतनी सोशल सेग्रीगेशन है, वहाँ पे इस प्रकार की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन हैवोक क्रिएट कर सकती हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सेफ हार्बर प्रोविजंस को यहाँ पे हटाया गया है। ओवरऑल नया डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इसको रिग्रेसिव बोलेंगे, कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा इनक्रोचिंग बोलेंगे, कुछ लोग इसको सही बोलेंगे। सऊदी अरेबिया और ईरान वाला जो रिश्ता है, इसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स में बात कर चुका हूँ, तो अलग से बात करने की जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।